One who does not care for heaven is already in heaven. जो स्वर्ग की चिंता नहीं करता उसके लिए तो पहले से ही धरती पर ही स्वर्ग है। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है ड्यू। वर्ड है ड्यू, DUE। क्या क्या अर्थ होते हैं इसके समझ लीजिए। ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया है मैंने पहले, अर्थ है प्रतीक्षित। देखें, द ट्रेन इज ड्यू इन 3 मिनट्स, इन 4 मिनट्स, इन 5 मिनट्स, इन 10 सेकेंड्स, इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं। ट्रेन 5 मिनट में, 3 मिनट में आने वाली है, ड्यू है, प्रतीक्षित है, यानी उसकी उसका वेट किया जा रहा है। द ट्रेन या बस किसी के लिए भी कह सकते हैं कि इतने मिनट में आने वाली है, ये सेंस है। द ट्रेन या बस इज ड्यू इन 3 मिनट, 4 मिनट्स, 2 मिनट्स। पेमेंट इज स्टिल ड्यू, ऋण, ऋण के सेंस में देखें, पेमेंट इज स्टिल ड्यू, अभी पेमेंट बाकी है, ऋण अभी बाकी है, पैसा देना अभी बाकी है। उचित भी इसका अर्थ होता है ड्यू, टेक ड्यू केयर, उचित सावधानी वर्तो, टेक ड्यू केयर, उचित सावधानी वर्तो। देयर, देयर भी इसका अर्थ होता है नाउन के तौर पर, आई एम ओनली टेकिंग व्हाट इज माई ड्यू, जो मेरा है, बनता है, वो मुझे चाहिए। आई एम ओनली टेकिंग, मैं वो ही ले रहा हूं जो मेरा ड्यू है, जितना कि उचित रूप से मुझे मिलना चाहिए, जो मेरा देह है वही मुझे चाहिए। अब देखें, ऋण भी इसका अर्थ होता है आई हैव पेड ऑल माई ड्यूज, जितने भी मेरे ऋण थे मैंने पे कर दिए, दे दिए। अब देखें ड्यूली का क्या अर्थ है। ड्यूली एडवर्ब है, उचित, अपेक्षित, एक्सपेक्टेड, यानी उचित, प्रॉपर, अपेक्षित, एक्सपेक्टेड। द ट्रेन ड्यूली अराइव, अपेक्षित समय पे आ गई, जितनी समय पे आनी चाहिए थी उतनी समय पे आ गई, उचित समय पे आ गई, अपेक्षित समय पे आ गई। द ट्रेन या बस ड्यूली अराइव्ड, अपने समय पे ट्रेन आ गई। विद ड्यू रेस्पेक्ट, अपेक्षित, उचित रेस्पेक्ट, यानी आदर के साथ, उचित आदर के साथ, ये एप्लीकेशन में लिखा जाता है। अब देखें ड्यू टू का क्या अर्थ है। ड्यू टू का अर्थ है के कारण। हिज सक्सेस इज ड्यू टू हिज हार्ड वर्क, उसकी जो सफलता है उसका कारण है हार्ड वर्क, यानी परिश्रम उसका कारण है, उसकी सफलता का कारण है परिश्रम, इसका अर्थ होता है ड्यू टू का के कारण। दूसरा सेंटेंस देखें, ड्यू टू द रेन आई डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, आज मैं स्कूल वर्षा होने के कारण नहीं गया। ड्यू टू द रेन, वर्षा होने के कारण, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, आई डिड नॉट गो या ही डिड नॉट गो ना शी डिड नॉट गो, इस तरीके से आ सकता है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल टूडे, आज मैं स्कूल नहीं गया वर्षा होने के कारण। दैट एक्सीडेंट, वह दुर्घटना, वाज ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, ड्यू टू ड्राइवर्स केयरलेसनेस, ऐसे भी हो सकता है, ड्राइवर की केयरलेसनेस के कारण वो दुर्घटना हुई, असावधानी, केयरलेसनेस, ड्राइवर की असावधानी के कारण या उसकी असावधानी के कारण दुर्घटना हुई। हिज एब्सेंस इज ड्यू टू हिज इलनेस, वो आज इसलिए एब्सेंट है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। हिज एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति, इज ड्यू टू हिज इलनेस, बीमारी के कारण है, उसकी बीमारी के कारण है। अब ये फ्रेजल वर्ब देखें, टू गिव समवन हिज ड्यूज या ड्यू, मुनासिब पैसा देना, जिसका जितना बनता है उतने पैसे देना, ये फ्रेजल वर्ब है। ही गेव हिम हिज ड्यूज, उसने उसका मुनासिब पैसा दे दिया, जितना उचित पैसा था उसने उसको दे दिया। यू शुड गिव हिम हिज ड्यूज, तुम्हें उसका मुनासिब पैसा दे देना चाहिए, इस तरीके से ये इसका प्रयोग होता है। बहुत ज्यादा मेरे से लोगों ने पूछा था कि ड्यू का क्या क्या यूज है, आज मैंने सब बताया है। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।